You are watching NTTV News Telangana. Thank you.
सैटरडे को इवनिंग हफीज बाबा नगर चंद्रायन गुट्टा लिमिट्स के अंदर जो हिजरा का चंद्रय को एक मर्डर हुआ, वो बेगर्स किडनैप नाम से पूरा यूथ लोग पूरा शक बैठा है उन लोगों को दिल में मन में। वो बेगर्स हिजरा लोग आके किडनैप करके बच्चों को हाथ काट रहे, वो फकीर बना रहा है, हार्ट निकाल रहे, ब्रेन निकाल रहे, ऐसा सोशल मीडिया में कई पोस्टिंग्स कंफर्म करने के बाद एक शक बैठ गए। जो अजीम होटल में 11 बजे के बाद दो हिजरा लोग पैसा के लिए आया, इसका आर्गुमेंट करने में बारकास का रहने वाले एक हुसैन, वो सोशल मीडिया में जो बच्चों मर गया, थोड़ा इजरा लोग का शक आके सबको दिखाना शुरू कर दिया। वो मना कर दिया, हम नहीं है, हम ऐसा नहीं है, ओनली पैसा फकीर तरफ हम मांगने के लिए आए। लेकिन वो लोग थोड़ा शाउटिंग करके वो किडनैप बैच आया बच्चों के लिए, ऐसा टायर से मार के भगा दिया। वो बाहर आने के बाद सभी लोग जमा होके उनको फिर मार दिया। एक गिड्डा नरसिम्ह को एक मौलाना मुर्शद चाय पीने के लिए आए, वो रमज़ान का टाइम में ऐसा नहीं करना, अगर कुछ आए तो पुलिस को हैंड ओवर करना, ऐसा बोलने में वो बच गया। अगर वो मौलाना नहीं होता था वो भी मर जाता था। तो ये तीनों मेंबर्स को अपोजिट लेन में जाके पूरा हाथों से पैरों से पूरा इंडिस्क्रिमिनेट मार दिया। लास्ट में कुछ लोग आईएस सदन सरफराज खान, सोहेल, मुख्तार, ये लोग इतना बड़ा बड़ा बोल्डर्स लाके उसको सर पे डाल दिया। जो किडनैप बच्चों के लिए किडनैप करने के लिए आया, वो रूमर्स हो, वो दिल में शक बैठा है, लेकिन कुछ तो कंट्रोल होना है। हम बोलते रहते जा रहा है, डीजी साहब बोल दिया, सीपी साहब बोल दिया, मैं बोल दिया, एसएचओ बोल दिया, ये रूमर्स नहीं मानना चाहिए। अभी तक एक किडनैप केस तेलंगाना स्टेट में रिपोर्ट हुआ नहीं, एक किडनैप गैंग भी आया नहीं, लेकिन इतना 800 लोग आ गए तो किसका सेफ्टी है? वो हिजरा का छोड़ देना, अगर हम लोग जाएंगे तो मफ्ती में जाएंगे तो कुछ लोग ये किडनैप के लिए आया तो वो लोग नहीं सुन रहा है, ऐसा पूरा लोग को दिल में बैठा है, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, 4-5 सोशल मीडिया वाला पूरा सोशल मीडिया को ख़राब कर दिया। अभी किसी लोग को पूछ लेना सोशल मीडिया रूप से हम मेरा दिल में मन में शक बैठ गए। जो कंफर्म कर दिया, एक महबूब नगर टाउन में रेड हैंडेड पकड़ लिया, ऐसा ये पोस्ट लगाया, 3-4 बच्चों को इंट्रोगेट कर दिया हम टास्क फोर्स हम मिलके। अरे क्यों मार दिया? कौन आया? डीजी साहब बोला, मैं बोला, कोई किडनैप गैंग को अरेस्ट कराना है, कैसे अरेस्ट है ऐसे बोलते साहब? ये सैयद सलीम ये टू टाउन में गिरफ्तार कर दिया रेड हैंडेड पुलिस किडनैपर्स को, तो कन्फर्म कर दिया वहाँ नहीं है। वो शुभान रिपोर्टर शुभान छोटे बच्चों को पकड़ के लेने के टाइम में पकड़ के पुलिस रेस्क्यू करके उनको गिरफ्तार कर दिया, वो भी गलती है। ऐसा करने में वो लोग को क्या सोचता? अरे क्या वो महबूब नगर में पकड़ लिया, पुलिस पकड़ लिया, वो कंफर्म हो गया। हम आर्गुमेंट कर रहे हैं, अरे कहाँ है तो, अरे नहीं बहुत न्यूज़ आया, महबूब नगर में पकड़ लिया, जहीराबाद में पकड़ लिया, पहाड़ी शरीफ में पकड़ लिया, आप कुछ नहीं पकड़ रहे बोल रहे, ऐसा कैसे होता? तो ये मामला क्या ज़रूरत है, इतना सेंसिटिव इशू है। अगर हमको होता, अगर हम लोग आप लोग कोई बाहर गए शमशाबाद, कोई महबूब नगर साइड, वो को कुछ लोग शाउट करके वो किडनैप बैच आएंगे तो वो मारना शुरू कर देते, तो ये हालत तो आया आया नहीं। दट्टू इतना अच्छा होली महीना,
जिंदगी का इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है, हैदराबाद लखनऊ हैदराबाद दिल्ली का बाद इतना अच्छा नाम है, जकात देते बकरीद में इतना देते, लेकिन कोई आदमी को गारंटी नहीं है पुराना शहर में सेफ्टी में जाएगा। पुकार रहा है, सोशल मीडिया जा रहा है, इतना देख रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। इसीलिए अनफॉर्चुनेट थिंग है, दो सीनियर रिपोर्टर्स बड़े लोग हैं, वो नॉलेजेबल, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना, इसीलिए वो लोग भी सेलफोन्स में वो सर्कुलेट हुआ, तो इसीलिए ये दोनों के साथ रिपोर्टर शुभान और सैयद सलीम के साथ 14-14 लोग, 400-500 लोग वहाँ शामिल थे, लेकिन ज़बरदस्ती पैरों से हाथों से मौलाना मुर्शिद मस्जिद को 5 प्रेयर्स में हमको रिक्वेस्ट कर दिया, ये पूरा झूठा रिपोर्टर्स रिपोर्ट्स है, पोस्टिंग्स है, वो नहीं मानना चाहिए। अभी तक एक किडनैप केस रिपोर्ट हुआ नहीं, अभी तक एक गैंग को भी पकड़ा नहीं, ये पूरा जो मार दिया शक में मार दिया, वो कुछ नहीं है, वो नहीं मानना चाहिए। तो अभी तो बहुत नॉर्मल से आ गया, वो एडमिन के साथ जो ग्रुप में सर्कुलेट करने वालों के ऊपर भी केस लगेगा, लेकिन ये इतना मर्डर केस में नहीं होता, लेकिन वो तो केसेस होता। कार्रवाई कभी शुरू होना है तो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ हम भी वो कार्रवाई शुरू करेंगे। जब तक वो मीडिया सेंसिटिविटी है इतना इमीडिएटली नहीं जाता, क्योंकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक बीच में है, लेकिन जब कोई को थ्रेट है, जनरल पब्लिक को थ्रेट है, अभी कोई अगर ये आदमी इरफान वहाँ जाएगा तो हबीब नगर उनको मार सकता है, कोई शूटिंग करेंगे, तो ऐसा हालत आने के टाइम में हम सख्ती से जाना पड़ता, वो अभी शुरू करते। थैंक यू वेरी मच।